नमस्ते प्रणाम दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से हम अपने चैनल पर बार बार एक ही कमेंट देख रहे थे और वो कमेंट ये है कि धनंजय धरकन कितने रुपए कमाते हैं या अवधेश प्रेमी कितने रुपए कमाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आखिर एक पॉपुलर सिंगर एक गाना से या एक महीना में कितने रुपए कमा लेते हैं। ये बातें शायद आप लोग भी जानना चाहते होंगे, क्योंकि जब एक नया सिंगर अपने भविष्य के बारे में सोचता है कि मैं उनके तरह अगर सिंगर बन जाऊँगा तो मैं भी कितने रुपये कमाऊँगा, ये बातें शायद आप लोग भी जानना चाहते होंगे। तो खैर कोई बात नहीं, आइए आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इस सब बातों से एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर कितने रुपए कमाते हैं एक पॉपुलर सिंगर। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि दोस्त अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन पर सेलेक्ट कर दीजिए, इससे आप लोग हमारी कोई भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आप लोगों को जड़ से बात करेंगे, एक नया सिंगर से लेकर एक पॉपुलर सिंगर तक। तो दोस्तों सिंगर लाइन में पैसा कमाना इतना आसान बात नहीं है। सिंगर लाइन में पैसा कमाने के लिए आपको अपना पहचान बनाना पड़ेगा, आपको पॉपुलर होना पड़ेगा, वायरल होना पड़ेगा, आपका गाना चलना चाहिए, तब आप कमा सकते हैं पैसा। नहीं तो आप पैसा लगा ही लेंगे लेकिन कमाएंगे नहीं। लेकिन पैसा कमाने के लिए आपके पास टैलेंट रहना चाहिए, सिंगर का टैलेंट रहना चाहिए, जो कि आप एक सिंगर लाइन करेंगे तो शायद आप पॉपुलर हो जाएंगे या पब्लिक आपके गाना को पसंद करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप लोग नए सिंगर में स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको स्टूडियो में एग्रीमेंट कर लेना चाहिए, ताकि आप लोगों से स्टूडियो वाले पैसा ना ले और स्टूडियो वाले ही आपको गाना बनाकर दे, ताकि आप एक पॉपुलर हो सके। तो सबसे पहले आपको पॉपुलर होना पड़ेगा सिंगर लाइन में आगे बढ़ने के लिए, तब जाके आगे दिन आप पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आखिर एक पॉपुलर सिंगर पैसा कैसे कमाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा जब तक एग्रीमेंट पर कोई बंदा रहता है तो तब तक कोई पैसा उसे नहीं दिया जाता है, मंथली या सैलरी पे किया जाता है। तो दोस्तों पैसा कमाता है कब, जब वो एग्रीमेंट से हट जाते हैं, यानी कि अपने दम पर गाना गाता है या किसी भी स्टूडियो से गाना गाता है। तो दोस्तों स्टूडियो वाले या कंपनी वाले उस सिंगर से गाना खरीदता है या उस सिंगर को अपना मौका देता है गाना गाने के लिए, तो उसको रुपया दिया जाता है। इस हिसाब से कि आखिर सिंगर को बोला जाता है कि हम आपको इतना रुपया देंगे, 20,000 रुपया देंगे, 30,000 रुपया देंगे, आप हमारे गाने में काम कर दीजिए। तो इस हिसाब से सिंगर लोग कमाते हैं रुपया। तो हमें उम्मीद है शायद आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर एक पॉपुलर सिंगर कितने रुपए कमा लेते हैं, यानी कि 20,000 से लेकर 30,000 तक एक गाना का चार्ज करते हैं। जैसे कि धनंजय धरकन एंड अवधेश प्रेमी एंड मिठू मार्शल, ये सब लोग एक गाना का इतने रुपए चार्ज कर लेते हैं। तो दोस्तों अब आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हो कि एक महीना में कितने रुपए कमाते होंगे, बोलने का जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अब हम आप लोगों से एक और बात बताना चाहेंगे, पॉपुलर सिंगर एक और तरीका से रुपया कमाते हैं, लाखों रुपए। हम आप लोगों को यही बात बताना चाहते हैं। शायद आप लोगों को पता होगा कि जब कोई सिंगर स्टेज शो करते हैं तो लाखों में रुपया कमा लेते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को हम यही बात बताना चाहेंगे कि सिंगर लाइन में अगर आप लोग आते हो तो पैसा को मत देखिए, अपना पहचान बनाइए, ताकि आप आगे दिन चलकर पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों यही जानकारी हम आप लोगों तक देना चाहते थे, जो आप लोग कमेंट कर रहे थे, जो आप लोग जानना चाहते थे। हमें उम्मीद है आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को समझ पाए हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन पर सेलेक्ट कर दीजिए, इससे आप लोग हमारी कोई भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी और एजुकेशन न्यूज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।